नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने मांगों में एक सूची जारी की जिसमें अनुसूचित जातियों यानी SC, अनुसूचित जनजातियों यानी ST और अन्य पिछड़े वर्गों यानी OBC के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल है। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण के क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदाय को लेकर मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया। बंद की पूर्व संध्या पर कई जगहों पर मशाल जुलूस भी निकाला गया। मशाल जुलूस में विभिन्न दलित संगठनों के लोग शामिल हुए। जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था कर आपस में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार को इस दिशा में तुरंत से तुरंत पहल करनी चाहिए। बंद समर्थकों ने बताया कि 21 अगस्त को अति आवश्यक समस्याओं को छोड़कर सभी को बंद के दायरे में रखा जाएगा। सभी लोगों से भारत बंद में सहयोग करने की अपील है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने मांगों को एक सूची जारी की जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए न्याय और समानता की मांग है। संगठन ने हाल ही में एक उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया, जो उनके अनुसार ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले के 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिए गए फैसले को कमजोर करता है। इसने भारत में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की। NSDRFO के सरकार के अनुरोध किया कि फैसले को खारिज किया जाए क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। संगठन SC, ST और OBC के लिए आरक्षण व संसद द्वारा एक नए कानून को पारित करने की मांग कर रहे हैं जिसे संविधान की 9वीं सूची में समावेश के साथ संरक्षित किए जाएं। संगठन ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया, जो उनके अनुसार ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ के लिए दिए गए फैसले को कमजोर करता है, जिसने भारत में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की। देश भर में क्या क्या बंद रहेगा और क्या क्या खुला रहेगा। दलित संगठनों ने एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की है कि मेडिकल सेवाएं, पुलिस और फायर सेवाओं को छोड़कर सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक सब कुछ बंद रखा जाएगा। हालांकि सरकारी दफ्तर, बैंक, पेट्रोल पंप, स्कूल और कॉलेज में सामान्य रूप से कामकाज जारी रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बंद को लेकर राज्य सरकारों की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए, लेकिन कुछ राज्यों में बंद का असर देखने को मिला, इसलिए पुलिस प्रशासन का अलर्ट जारी है। संगठनों ने कहा कि देश में इस बार सार्वजनिक परिवहन नहीं चलेगा, लेकिन इस लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, जिससे कुछ जगहों पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित जरूर हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर निजी दफ्तर बंद किए जा सकते हैं, जबकि राजस्थान में कक्षा 1 से 12 के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई, वहीं फिलहाल परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भारत बंद को लेकर सभी दुकानें बंद हैं, परिवहन सेवा भी बंद रखी गई है और प्राइवेट स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली में व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों के शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि हमने बाजार एसोसिएशन से इस विषय पर चर्चा की और सभी का ये कहना है कि 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर किसी ने भी व्यापारी संगठनों को ना ही संपर्क किया और ना ही समर्थन मांगा, इसलिए दिल्ली में सभी 700 बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे। इसके अलावा 56 इंडस्ट्रियल एरिया भी खुले रहेंगे। मैं इस लाइव के माध्यम से अपने साथियों को यह भी बता देना चाहता हूं कि कल आंदोलन का प्रथम चरण है जो समाज ने बुलाया है, जिसके बाद दूसरा चरण 11 सितंबर को दिल्ली में है, फिर आगे क्या करना है वो भी लगातार मैं आपको बताता रहूंगा। मैं तो चाहता था कि इस पर एक ओपन डिबेट हो, वो जातियां जिनको नहीं मिला है और जिनको मिला है वो सब लोग आपस में बैठ के, हमें तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं थी कि कोई हमारे बीच में तीसरा व्यक्ति आकर फैसला करे, हम वंचित वर्ग के लोग आपस में बैठ के फैसला करके जो वास्तविकता में इसके पूरे रिसर्च को जानकर हम आपस में बैठ के इसको निपटाते कि भाई ये किस तरह हमें आगे बढ़ाना है, किस तरह से हमारे अंतिम व्यक्ति को भी अवसर मिले। मैं इस बात से सहमत हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
अपने डीएससी समाज को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग इसके बाद भी बैठेंगे, बैठ के चर्चा करेंगे, जिसको अवसर नहीं मिला उसको अवसर मिले, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। मैं वचन देके कहता हूँ इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई भाई दुश्मन ने जिस तरह भाई भाई के सामने खड़ा कर दिया। अगर दुश्मन वास्तविकता में हमारा ऐसी होता तो जब 10% स्वर्ण जाते हुए दे सकते हैं आर्थिक आधार पर, तो सबसे पहले उन वंचित जाते हुए देना चाहिए था जिनका अब तक कलेक्टर नहीं बना, देना चाहिए था। लेकिन सरकार की कोई मंशा नहीं है। आप जानते हैं किस तरह के फैसले और किस तरह से सबसे ज्यादा चुनावी लाभ लेने के लिए किस तरह से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आप और मुझे सब लोगों को नजर रखनी चाहिए और किस तरह सरकार के लोगों ने हमारे लोगों को आपस में भड़काने के लिए झूठे जो है अपने लोगों से पुतले फुकवाए तमाम तरह से, जिक्र ये भी किससे छिपा हुआ नहीं। मगर मुझे देखो, मैं फिर कह रहा हूं, जिनको लग रहा है मिल रहा है उनको वो साइल है, जिनको लग रहा है कि कुछ जा रहा है, दोनों ही समझ नहीं पा रहे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कुछ भी हो जाए मैं इस एकता को भी नहीं टूटने दूंगा। और इस चुनाव के इस आंदोलन के बाद आप देखना हम लोग जिले वाइज प्रदेश वाइज बैठ के आमने सामने चर्चा करके और एक दूसरे को सुन समझ के हालातों को सुन समझ के फैसले लेके मिलके अपने भाइयों के इस्तेदाद के लड़ेंगे। लेकिन कल का दिन मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, इस समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते समाज के किसी व्यक्ति का इतना हो तो मैं सबसे पहले डीएससी समुदाय के हमारे जो भाई हैं उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि वो किसी के बहकावे में आके, किसी के चढ़ावे में आके, किसी के षड्यंत्र में, किसी के हाथों कठपुतले ना बने। दिल्ली में भारत बंद का ज्यादा असर नहीं, भारत बंद का दिल्ली में ज्यादा असर नहीं दिख रहा। व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों के शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि हमने कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, खारी बावली, नया बाजार, चावड़ी बाजार, सदर बाजार, करोल बाग, कमला नगर, कनॉट प्लेस, लाजपत नगर, सरोजी नगर आदि 100 से ज़्यादा बाजारों के एसोसिएशन से मामले पर चर्चा की। उन सभी का कहना है कि भारत बंद को लेकर किसी भी व्यापारी संगठनों से ना ही संपर्क किया गया और ना ही कुछ तरह का यहाँ बंद रहेगा, इसलिए दिल्ली के सभी 700 बाजार पूरी तरह खुले रहेंगे। इसके अलावा 56 इंडस्ट्रियल एरिया भी खुले रहेंगे। आए थे हम लोग बिहार पुलिस का एग्जाम देने। अच्छा। और ये जाम जो यहाँ पे लगा हुआ है इससे सभी छात्रों को थोड़ा परेशानी हो रही है और जितने भी यहाँ पे जो जनतागण है उन लोगों को भी साथ में देखने के लिए परेशानी मिल पा रहा है। अच्छा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि सुबह सुबह ही अपना सेंटर पहुँच जाए तो एग्जाम से वंचित रहेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम लोगों ने इस चीज़ों को तैयारी किया है। और बिहार पुलिस बहुत बहुत उम्मीद से लेकर के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हम यहाँ पे जहानाबाद आए हुए हैं, क्योंकि पता ही है एक बार पेपर लीक के वजह से बिहार पुलिस एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और फिर से दोबारा ना कैंसिल हो इस उम्मीद के साथ हम लोग आए हुए हैं। और बहुत ही ज़ोर शोर से सभी बच्चों का काफ़ी ज़्यादा उमंग है, जोश है, जुनून है और इस उम्मीद से यहाँ पर उपस्थित सबको हुए हैं। तो इस बंदी को लेकर के देखिए आगे क्या होता है, हम लोग एग्ज़ाम हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर सेंटर पहुंचने के बाद अगर वहां जाने के बाद ऐसा भी पता चलेगा कि ट्यूशन नहीं आया तो शायद वापस भी लौटना पड़ सकता है। अच्छा, तो सेंटर जाने में परेशानी हो रही है? जी परेशानी तो हो रही है, देख रहे हैं इधर पूरा सारा वीडियो दिखा कर देख सकते हैं, पूरा ट्रक चक्का जाम है, इधर भी पूरा बैरिकेडिंग लगा हुआ है, तो परेशानी तो बहुत छात्रों को हो रहा है। क्या नाम हुआ? नाम मेरा रोशन उजाला हुआ, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद बिहार। उत्तर प्रदेश में बंद का मिला जुला असर, उत्तर प्रदेश में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। शहरी क्षेत्रों में अधिक ग्रामीण इलाकों में इसका प्रभाव रहने को उम्मीद है। यूपी में भी एससी और एसटी के आरक्षण के ऊपर उपवर्गीकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद के कई दलों का समर्थन मिल रहा है। भारत बंद के समर्थन में मायावती की बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी भी है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शीर्ष समाज पार्टी भी भारत बंद का समर्थन कर रही है। बिहार में भारत बंद का कितना असर? बंद समर्थकों ने बताया कि बिहार में अति आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी सेवाओं को बंद किया गया है। सड़कों पर चलने वाले सभी वाहनों का परिचालन ठप है और सभी दुकानें प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हाईवे पर छोटे बड़े वाहनों की कतार लग गई है जिससे आने वाले लोगों को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी सिपाही भर्ती परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को हो रही है। दूर दराज से आए अभ्यर्थी को खाने पीने से लेकर आने जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। बंद को लेकर कई अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र पर पैदल चलने को मजबूर हैं।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को SC/ST आरक्षण में क्रीमिलेयर बनाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस फैसले को लेकर देश में व्यापक बहस छिड़ गई। भारत बंद करने वाले समर्थक इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारत बंद को बसपा और जयस का समर्थन। SC/ST आरक्षण को लेकर भारत बंद के आह्वान को मध्य प्रदेश में बसपा और जयस का समर्थन मिला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बसपा के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश में ज्ञापन सौंपेंगे। बसपा और जयस के कार्यकर्ताओं को हिदायत दी गई कि किसी उपद्रव तोड़फोड़ में शामिल ना हो। कार्यक्रम राष्ट्रपति के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। ग्वालियर में भी भारत बंद को लेकर पुलिस के पुख्ता इंतजाम देखे गए। आज की रैली को देखते हुए, जो कि रैली जालोरी गेट से लेकर और करंटी तक जाने वाली है, उसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। रैली के आगे व्यवस्था, रैली के पीछे, रैली के मध्य, स्पेशली जालोरी गेट पे, कलेक्ट्रेट पे, सभी जगह पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात है और हर आस्पेक्ट को देते हुए पर ध्यान देते हुए हमने पुलिस बल तैनात किया। सर, आज किस तरह का आपका प्रदर्शन रहने वाला, कहाँ से कहाँ तक रहेगा? हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। जो बंद है, पूरा भारत बंद है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में वर्गीकरण किया उसको, उसके विरोध में हम यहाँ जालोरी गेट सभी साथी पहुँच रहे हैं। दूर गांवों से आ रहे हैं टोलियों के रूप में, हम यहाँ इकट्ठा होके यहाँ 11:30 से यहाँ से रवाना होंगे। कलेक्ट्रेट साहब के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण है सब। हमारी मांग है कि वर्गीकरण का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया वो वापस ले और हमारे भाईचारे में फूट ना डालें। ये एक षड्यंत्र के तहत हमें आपस में लड़ाने का काम कर रही है सरकारें, तो हमें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। मैं आनंद पाल आज़ाद, भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के दंतवाड़ा में दुकानें बंद। छत्तीसगढ़ के दंतवाड़ा में भारत बंद का असर देखा जा रहा है। यहाँ पर बाजार बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी, ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बंद रहेंगी। प्राइवेट स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। राजनीतिक पार्टियों ने किया बंद का समर्थन। बसपा RJD ने भारत बंद का समर्थन किया है। एक तरफ NDA के सहयोगी दल और चिराग पासवान की पार्टी ने भी बंद का समर्थन कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी ने कहा कि भारत बंद के खिलाफ हैं और इसका समर्थन नहीं करेंगे, जबकि भारत बंद को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी मोहनलाल रोत ने भी समर्थन मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस समेत कुछ और पार्टियों के नेता भी इसका समर्थन कर रहे हैं। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है? सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बीते गुरुवार की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। 7 जजों की पीठ ने EV चिन्नौज बनाम आंध्र प्रदेश मामले में 2004 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अदालत ने कहा कि राज्य SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने अपने फैसलों में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का भी समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित संगठन और दलितों की राजनीति करने वाले लोग एकजुट हो गए हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।